हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं गोविंद सकर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं 12th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2। यहाँ से मैथमेटिक्स का सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के जो वीडियोस है वो रेगुलर अपलोड्स होते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर चैनल्स पे विजिट कीजिए और फिजिक्स एंड मैथ के जो वीडियोस अपलोड करता हूँ उनको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इससे बेनिफिट मिल सके। चैप्टर नंबर 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके करीब करीब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या अदर बोर्ड्स, ठीक ना। सारे बोर्ड में लगभग लगभग 6 मार्क्स का आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स इजिकल्स टू वाई, ठीक ना। क्या है हमारे पास एक इक्वेशन है साइन एक्स इजिकल्स टू वाई। अगर यहाँ पे ओनली हम क्या करते हैं साइन को बराबर के इधर भेजते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स इक्वल मिलता है साइन, ये इधर आएगा तो ये जगह साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स वाई है ये हमारा कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स वाई हो गया, या साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका, या साइन इनवर्स थीटा हो गया, टेन इनवर्स थीटा हो गया, ठीक ना। टेन इनवर्स थीटा, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये आपके होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज इसका जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2.1, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। तो इसका मीन्स ये नहीं होता, जैसे आपका मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स ये नॉट इज़ इक्वल टू होता है साइन एक्स का इनवर्स, इसका मतलब अलग होता है, ठीक ना, और इसका मतलब अलग होता है। इस साइन इनवर्स एक्स का मतलब समझ सकते हैं ये है, इस टाइप का फंक्शंस होता है। अगर साइन एक्स का इनवर्स है तो इसका मतलब होता है 1/sin(x)। तो ये फंक्शंस इस फंक्शन से इंटायरली डिफरेंट है, या ये कभी बराबर नहीं होगा साइन एक्स का इनवर्स, ठीक ना। ये भी बराबर, ये फंक्शंस भी डिफरेंट है। अगर आपके पास ये फंक्शन दे रखा है या इस टाइप का फंक्शन दे रखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होगा वो होगा आपका साइन इनवर्स एक्स। इस फंक्शन का मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब है कि साइन 1/x, ठीक ना। यहाँ पे थीटा में जो दे रखा है थीटा की पावर -1 है, साइन की पावर -1, यहाँ पे पूरे फंक्शंस की पावर -1 है और ओनली यहाँ पे साइन की पावर -1 है। तो ये इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे ये फंक्शंस होंगे हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें हमें निकालने होंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए हम एक टेबल्स देखते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना। ये हमारा फंक्शन है, ये वाला जो कॉलम है ये हमारा डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, और ये जो फंक्शन है ये हमारा रेंज है, परिसर। क्या है? परिसर, ठीक ना। तो साइन जो फंक्शन, साइन जो इनवर्स फंक्शंस होगा, साइन फंक्शंस का डोमेन होता है -1 से 1। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल्स अगर देखेंगे, रेशियो टेबल की अगर स्टडी करेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 तक बिलोंग करता है, या -1 से 1 तक वैरी करता है। इसलिए साइन का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक होगा, और इसका रेंज होगा, अगर -1 साइन किसका वैल्यू होता है वो -π/2 का वैल्यू होता है, और 1 जो है π/2 का, मतलब 90 का वैल्यू होता है। तो इसका परिसर जो हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, वो -π/2 से +π/2 तक होगा, ठीक ना। ऐसे कॉस का अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल्स में अगर कॉस की वैल्यू देखेंगे 0 से 180 के बीच में, तो यहाँ पे कॉस जो है वो वेरी करता है -1 से 1। तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और इसका रेंज हो जाएगा 0 और π। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, इसलिए इसका परिसर है 0 से π। सेम अगर टेन अगर फंक्शंस को देखेंगे तो टेन फंक्शन का अब डोमेन देखेंगे कि टेन
का जो वैल्यू होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो जीरो से इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है। जीरो से इनफाइनाइट मतलब जीरो से इनफाइनाइट के भी इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें लाई करते हैं। तो इसलिए 10 का जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, ओनली रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा और 10 का जो डोमेन हो जाएगा वो आपका -π/2 से π/2 हो जाएगा रेंज, ठीक है ना। सेम कॉट का भी वैल्यू अगर देखेंगे, कॉट का ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे, ये भी जीरो से π/2 सॉरी इनफाइनाइट तक होता है, तो इसका वैल्यू भी जीरो से इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसलिए इसका रेंज जो सॉरी जो डोमेन होगा वो आपका पाई होगा। यहाँ पे आपका अगर इसका रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज जो है वो हो जाएगा आपका जीरो से पाई, ठीक है ना। सेक की बात करेंगे तो सेक का जो डोमेन है वो आ जाएगा इसका रियल नंबर -1 से 1, मतलब इनके बीच की वैल्यूज को हम क्या करें रियल नंबर से माइनस कर देंगे, बाकी सारे वैल्यूज में लाई करेंगे। इसका परिसर जो डोमेन हो परिसर रेंज जो हो जाएगा वो 0 से π -π/2। सेम कॉसिक का जो डोमेन होगा वो जाएगा आर मतलब रियल नंबर -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इसको माइनस करके बाकी जो रेस्ट ऑफ नंबर्स बचेंगे वो बिलोंग करेगा, या वो जो डोमेन हो जाएगा कॉसिक का, और इसका जो परिसर है रेंज है वो -π/2 से π/2 -0 होगा, क्योंकि जीरो पे अगर देखेंगे तो कॉसिक जीरो इनफाइनाइट है मतलब अपरिभाषित है। तो इसलिए यहाँ पे जीरो को क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि जीरो पे हमारा कॉसिक एक्स जो है वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। ऐसे अगर यहाँ पे देखेंगे सेक में तो ये -π/2 है, -π/2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेक का जो वैल्यू 90 पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे π/2 पे ये वैल्यू आपका डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आपको जो है 2.1 एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहला एक तो ये टेबल लर्न होना चाहिए और दूसरा ये वाला टेबल लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, साइन टेन और कॉसेक इनका जो रेंज है और डोमेन है वो लगभग लगभग बराबर है। तो अगर आप साइन का लर्न कर लेंगे तो उससे आपका टेन का लर्न हो जाएगा और कॉसिक का लर्न हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कॉसिक का याद है तो आप कॉट का और सेक का भी लर्न कर लेंगे। यहाँ पे आप उसमें सिमिलरिटीज देख सकते हैं कि इनका जो रेंजेस है वो रेंज क्या है, 0 से π, 0 से π और ये भी 0 से π। इसका रेंज देखेंगे -π/2 से π/2, इसका रेंज देखेंगे -π/2 से π/2 और इसका रेंज भी -π/2 से π/2। तो साइन टेन एंड कॉसेक कॉस कॉट एंड सेक जो है वो आपके इक्वल होंगे। चलिए अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पे। इसी फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम 2.1 एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा है क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें हमें फाइंड आउट करना फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान को हम क्या करना है गेट करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लेट करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे लेट कर लेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स को लेट करेंगे साइन इधर आ जाएगा तो आपका बचेगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है ना। हमें पता है 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन फंक्शन में, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका माइनस साइन, देखिए साइन वन 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 1/2 जो है π/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 की जगह साइन π/6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन -π/6, क्योंकि आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगता है साइन -x इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। इट मीन्स अगर माइनस साइन एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन -x। तो यहाँ से साइन अगर कैंसिल हो जाएगा तो x या कंपैरिजन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -π/6, और देखना है कि -π/6 इसका जो रेंज है उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा रेंज है साइन का -π/2 से π/2, तो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -π/6, ठीक ना।
सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कॉस सिक इनवर्स रूट 3/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम यहां पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, मान लेंगे, माना क्या करेंगे, माना कॉस इनवर्स रूट 3/2 इजिकल्स टू एक्स, तो यह जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको लेट करेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉस एक्स बराबर रूट 3/2। कॉस एक्स इक्वल में जाएगा कॉस रूट 3/2, किसका वैल्यू होता है कॉस में, आपको ये टेबल रन होना चाहिए, देखेंगे रूट 3/2 जो है, सॉरी ये कॉस में रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाय 6 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई बाय 6, ठीक ना। तो यहाँ से अगर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है तो कंपैरिजन करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाय 6, और पाई बाय 6 जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई में। अगर आप याद करें कि कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में ये वाला वैल्यू आपका लाई कर रहा है, तो कुल मिला के रेंज के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लाई कर रहा है, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, इस रेंज के अंदर आपका कोई भी वैल्यू अगर लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में वो उस फंक्शन का मेन वैल्यू, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्या जाएगा उसका मुख्य मान, ठीक ना। तो ये इसके इस मतलब रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/6। यहाँ पे लिखेंगे आप मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, कॉसेक इनवर्स रूट 2, सेम यहाँ पे लेट करेंगे कॉसेक इनवर्स 2 इजिकल्स टू एक्स, ठीक ना। कॉसेक इनवर्स इधर आ जाएगा आपका, तो ये आएगा कॉसेक एक्स इजिकल्स टू 2। अब कॉसेक एक्स 2 है, कॉसेक इसका वैल्यू 2 होता है, तो ये जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल में, ये हो जाएगा कॉसेक किसका वैल्यू 2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखिए फिर से, ये आपका कॉसेक 2 है, ये किसका वैल्यू होता है पाई बाय 6 का वैल्यू होगा, तो ये जाएगा आपका पाई बाय 6, तो एक्स इज इक्वल टू जाएगा यहाँ से आपका पाई बाय 6, ठीक ना। और ये जो है आपका बिलोंग करेगा, देखिए कॉसेक का जो रेंज है, कॉसेक का रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये बिलोंग करेगा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0, इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये जो है पाई बाय 6 जो है वो कॉसेक इनवर्स 2 का जो है आपका मुख्य मान होगा, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6, ठीक ना। ये हो गया आपके तीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पे फिर से लेट करेंगे, लेट टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इजिकल्स टू एक्स, टेन इधर आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा टेन एक्स इजिकल्स टू माइनस का रूट 3, तो टेन एक्स इजिकल्स टू रूट 3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है आपका टेन, ये तो माइनस का रहेगा, टेन रूट 3 वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल रेशियो टेबल देखिए, यह है टेन रूट 3 किसका वैल्यू होता है पाई बाय 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 3, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल्स टू, आ जाएगा टेन माइनस पाई बाय 3, ठीक है, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स इज इक्वल्स टू बचेगा माइनस पाई बाय 3, और ये जो है वो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो 10 है, 10 का जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, और ये वाला वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाए करता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, लेट कर लेंगे यहाँ पे भी फिर से मान लेंगे, माना कॉसिक इनवर्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू एक्स, तो जब कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, अब कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ये जाएगा माइनस का कॉस, वन बाई टू किसका वैल्यू होता है, वन बाई टू होता है कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 को लिखेंगे पाई बाय थ्री। अब इस माइनस को अंदर ले जाना है तो ये जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो ये जाएगा कॉस टू पाई बाय थ्री, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है कि कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स यूज़ करेंगे हम, कॉस पाई माइनस एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉस अगर माइनस एक्स लिखते हैं तो कॉस माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू होता है माइनस का, सॉरी प्लस का कॉस एक्स होता है, जस्ट इसमें रिवर्स होता है ये, इसीलिए यहाँ पे आपका आपका जो ये माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, इसको पाई माइनस पाई बाय थ्री लिखा, तो ये जाएगा टू पाई बाय थ्री, और एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा टू पाई बाय थ्री, और ये जो है बिलोंग करेगा आपका जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में भी बिलोंग करेगा, तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगा, मुख्य मान जो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू का, वो हो जाएगा टू पाई बाय थ्री, ठीक ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लेट करेंगे, टेन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक, यहाँ से आ जाएगा टेन को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा टेन एक्स इक्वल में माइनस का वन, तो टेन एक्स इक्वल माइनस टेन पाई बाय फोर, ठीक, तो ये जाएगा टेन एक्स इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टेन माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस का टेन एक्स, ठीक है ना, तो ये माइनस है यहाँ पे, इसलिए इस माइनस को अंदर भी हम ले जा सकते हैं ना, थीटा में ले जा सकते हैं, तो यहाँ से आपका आएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय फोर, और ये जो माइनस है ये बिलोंग करेगा आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, तो इसका मुख्य मान हो गया आपका, मुख्य मान हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर, तो ये सिक्स क्वेश्चन है मुख्य मान से रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट सॉरी सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री इज इक्वल्स टू एक्स, तो जगह सेक एक्स इज इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री, तो यहाँ से आ जाएगा सेक एक्स इज इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री, सेक एक्स में किसका वैल्यू होता है, ये होता है आपका 30 के वैल्यू, तो आ जाएगा ये sec पाई बाय सिक्स, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाय सिक्स, और ये बिलोंग करेगा आपका, अगर sec का अगर आप रेंज देखेंगे तो sec का रेंज होता है जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू, इसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है, तो जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू से बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए ये इसका मुख्य मान हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा आपका पाई बाय सिक्स। इसमें भी कॉट इनवर्स रूट थ्री है, तो कॉट इनवर्स रूट थ्री को कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना, तो इसमें लेट करेंगे इसको, तो ये जाएगा आपका कॉट इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल्स टू वाई, तो कॉट वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट थ्री, तो कॉट वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आपका कॉट थर्टी का वैल्यू होता है, तो कॉट पाई बाय सिक्स, तो यहाँ से आपका आएगा वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स, और ये बिलोंग करेगा, अगर आप देखेंगे कॉट का जो रेंज होता है, कॉट का रेंज होता है जीरो से पाई, और ये जो वैल्यू है वो जीरो से पाई के बीच में
लाई कर रहा है, तो 0 से पाई के बीच में ये लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। तो ये इसका मुख्य मान आ जाएगा आपका पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर, हम इसको x सेलेक्ट करेंगे, x मान लिया, कॉस इधर जाएगा तो ये जाएगा कॉस x इज इक्वल टू माइनस का 1/√2, तो जाएगा कॉस x इज इक्वल टू माइनस कॉस 45 का वैल्यू है ये, तो पाई बाय 4। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यह जाएगा आपका कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये आता है आपका कॉस 3π/4, ये कॉस x का वैल्यू हो गया। ठीक ना, तो x आ जाएगा यहाँ से आपका 3π/4 और ये बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई के बीच में, तो इसका मुख्य मान आ जाएगा, मुख्य मान आ जाएगा 3π/4। ठीक ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10th है ये है आपका कॉसिक इनवर्स माइनस रूट टू, लेट कॉसिक इनवर्स रूट टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से आ जाएगा आपका कॉसिक एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट टू, तो कॉसिक एक्स इज इक्वल टू जाएगा ये आ जाएगा आपका माइनस कॉसिक रूट टू, किसका वैल्यू होता है रूट टू 45 का वैल्यू होता है, ये जगह पाई बाय 4, तो ये जगह कॉसिक एक्स इज इक्वल टू ये जाएगा आपका कॉसिक माइनस पाई बाय 4। ठीक ना, ये माइनस अंदर जा सकता है क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है कॉसिक माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स, मतलब माइनस कॉसिक एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका एक्स निकल के आएगा माइनस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 बिलोंग करेगा माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और माइनस 0 इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मुख्य मान हो गया आपका मुख्य मान बराबर हो जाए माइनस का पाई बाय 4। ठीक ना, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 जिसका मुख्य मान आ गया माइनस पाई बाय 4। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यूज वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जो हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके हमें क्या निकालने हैं, वैल्यूज निकालने हैं, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसके मान निकालने हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉसिक इनवर्स माइनस 1/2 एंड साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसका जो मुख्य मान आएगा उन मुख्य मानों को लिखना है, तो टेन इनवर्स 1 का मुख्य मान आएगा पाई बाय 4, अभी पीछे करा था हमने, प्लस कॉसिक इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान आएगा ये आएगा, हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 5th नंबर करा था, देखिए क्वेश्चन 5th है, कॉसिक इनवर्स माइनस 1/2 का जो वैल्यू आया था वो आया था 2π/3। ठीक ना, तो मुख्य मान की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जो वैल्यू आएगा ये आपका वैल्यू होगा माइनस पाई बाय 6। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 4 3 12, 3 4 12, तो 8π माइनस का 2π, एलसीएम आपको सिंप्लीफाई करना है बस इसको, तो 8 + 3 कितना जाएगा 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 9π/12, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, तो ये जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये आएगा कॉस 1/2, कॉस 1/2 का वैल्यू आएगा आपका पाई बाय 3, 60 का वैल्यू होता है 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है, प्लस 2 × 1/2 किसका वैल्यू होता है आपका पाई 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है, 2 से उसको सब डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो
ये 2π/3 ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.1 के, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए। अगर आपको इसके PDF चाहिए जो मैंने सॉल्व करा है, इसी का PDF बना के मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए PDF तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमसे बता सकते हैं कि आपको PDF चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके, उनको भी मैथ के जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिले, और वो भी हमारे चैनल के थ्रू मैथ पढ़ सके, मैथ प्लस फिजिक्स, ठीक है ना। फिर मिलेंगे NCERT के एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए।